कल शाम श्रीनगर रोड पर पौड़ी थाना इंचार्ज ने एक बच्चे को चलती बाइक पर डंडा मार दिया, जिसके बाद बच्चा बाइक का संतुलन खो बैठा और जख्मी होकर नीचे गिर गया। थाना इंचार्ज उनियाल उस पर भी नहीं थमा और उसने जमीन पर गिरे बच्चे पर ताबड़तोड़ लाठी बरसा दी, जिससे बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। इसी बीच कई युवा पौड़ी बस अड्डे पर इकट्ठा हो गए और घटना का विरोध करने लगे। आरोप है कि पौड़ी थाना इंचार्ज उनियाल ने घटना का विरोध करने वाले युवक से भी मारपीट कर डाली और अपनी गलती समझते हुए घायल बच्चे को घटना स्थल से नामूल स्थान पर भिजवा दिया। मौके पर मौजूद युवाओं ने मामले को शांत कराने आए सीओ सदर धन सिंह तोमर को लिखित शिकायत दर्ज कर आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की मांग की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस लगातार वाहनों के कागजात और हेलमेट पहनने को लेकर उनका उत्पीड़न कर रही है। ट्रैफिक नियमों की आड़ में पार्किंग को लेकर पुलिस के कुछ जवान अवैध वसूली कर रहे हैं। वहीं SSP पौड़ी जगतराम जोशी ने थाना इंचार्ज उनियाल की गलती मानते हुए विभागीय जांच के उपरांत विभागीय और कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रोड पे खड़ा था तो मैंने देखा वहाँ पे पुलिस चालान कर रही है, तो हमने उसका विरोध नहीं किया। तो इतने में क्या होता है, एक बच्चा बाइक में आता है तो उसे रोकने के बजाय उसके चलती बाइक में डंडा मार दिया जाता है। वो बच्चा गिर के घिसटते हुए नीचे गया। उसे उठाने के बाद उसपे ये इंचार्ज जो भी है नए है जो भी है पूरा मार मार के डंडा तोड़ा। जब मैं ऊपर उनसे बात करने अपनी गाड़ी से आया तो पहले मेरी गाड़ी रोकी गई कि इस गाड़ी के बोर्ड का चलान होगा। मैंने कहा इसका चलान करो। मैंने उस बच्चे के लिए जब आवाज उठाई, मैंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई, तो वही सीओ साहब के सामने आके उस इंचार्ज ने मुझ पर भी हाथ उठाया।